ओके गाइस, आज हम फिर से आगे टिकटॉक के एक वायरल वीडियो का ट्यूटोरियल लेकर, जैसा कि वीडियो देख सकते हैं सोनाक्षी सिन्हा के साथ आप किस प्रकार वीडियो बना सकते हैं जो टिकटॉक पे काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में आ चुका है। तो आज मैं आपको इसी वीडियो का ट्यूटोरियल देने वाला हूँ, इस तरह की वीडियो आप कैसे बना सकते हैं। तो सिंपल आपको करना क्या है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने काइनमास्टर एप्लीकेशन और एक वीडियो का लिंक दे चुका हूँ, सिंपल आपको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद एक वीडियो आपको शूट करना होगा ग्रीन स्क्रीन में। तो सबसे पहले चलते हैं मोबाइल के होम स्क्रीन पर। यहाँ पे आपको काइनमास्टर एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद प्लस के आइकन पे क्लिक करना है, 9:16 का रेशियो सेलेक्ट कर लेना है। मीडिया पे आना है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक वीडियो का लिंक दे चुका हूँ, सिंपल आपको वीडियो को सेलेक्ट कर लेना है। तो आप देख सकते हैं वीडियो मैंने यहाँ पे कुछ इस तरह से सेलेक्ट कर लिया हूँ। वीडियो जो है आपको 29 से 30 सेकेंड के आसपास है, तो आपको भी वीडियो को सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद वीडियो क्लियर पर क्लिक करेंगे और सबसे पहले आपको ओरिजिनल साउंड को आपको म्यूट कर देना है। तो मैं ओरिजिनल साउंड को म्यूट कर देता हूँ, इससे क्या होगा लास्ट का साउंड जो है हमारा स्लो नहीं होगा। इसके बाद लेयर पे आना है, मीडिया पे आना है, आपको एक वीडियो शूट करना है 4 से 5 सेकेंड तक ग्रीन स्क्रीन में। तो मैं आपको दिखा देता हूँ वीडियो जो हमने शूट कर रखे हैं ग्रीन स्क्रीन में शूट कर रखे हैं, जो मैंने ग्रीन स्क्रीन में वीडियो शूट कर रखा हूँ कुछ इस तरह से। तो आपको भी कुछ इस तरह से शूट कर लेना है। शूट करने के बाद जब भी वीडियो आप शूट करेंगे तो आपको इस बात को ध्यान रखना है, वीडियो आपको फुल बॉडी में शूट करना है। जैसा कि वीडियो आप देख सकते हैं यहाँ पे वीडियो हमारा फुल बॉडी में शूट किया गया है। शूट करने के बाद आपको यहाँ पे देखना है हमारा वीडियो एक्स्ट्रा तो नहीं है, जैसे कि आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड का पार्ट कुछ एक्स्ट्रा है। वीडियो क्लियर पर क्लिक करेंगे, कैचिंग निशान पर क्लिक करेंगे और लेफ्ट साइड का पार्ट को हमें रिमूव कर देना है। तो ट्रिम टूल लेफ्ट कर देते हैं, वीडियो पर प्रेस करके रखेंगे, इसे हमें लास्ट तक लेकर आ जाना है। आपको वीडियो यहाँ पर कितने सेकेंड तक लेकर आना हो आपको ध्यान रखना है। जब आप फर्स्ट वीडियो शूट करेंगे तो 4.0 तक का वीडियो शूट करना है फुल बॉडी में। इसके बाद स्पीड 2 प्ले हिट कर देना है। तो वीडियो आप जब भी शूट करेंगे तो आपको ध्यान रखना है फुल बॉडी में ही वीडियो को शूट करना है कुछ इस तरह से, जैसे कि आप वीडियो देख सकते हैं वीडियो कुछ इस तरह से शूट किया गया है। इसके बाद आपको एडजस्ट कैसे करना है, अगर वीडियो में अगर कोई एक्स्ट्रा पार्ट है एक्स्ट्रा पार्ट को सबसे पहले क्रॉप कर लेना है। इसके बाद जैसे कि देख सकते हैं कुछ एक्स्ट्रा पार्ट है, कुछ इस तरह से आपको एडजस्ट करने के बाद क्रॉप कर लेना है। क्रॉप करने के बाद इसे हम डन करते हैं, वीडियो क्लियर पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाता है क्रोमा की का। क्रोमा की को आपको सिंपल इनेबल करना है, कलर की पे आना है और आपको यहाँ पे ग्रीन कलर सेलेक्ट कर लेना है और आपको यहाँ पे सही से एडजस्ट करना है, यानी कि ग्रीन कलर जो दिख रहा है वो आपको यहाँ से रिमूव कर देना है कुछ इस तरह से। आपको काफ़ी ध्यान से एडजस्ट करना है, एडजस्ट जब करेंगे तो आपका ग्रीन स्क्रीन बिल्कुल आसानी से आप रिमूव कर सकते हैं। तो जब भी वीडियो आप शूट करेंगे तो आपको जैसे ग्रीन स्क्रीन जो बैकग्राउंड में दिख रहा है तो वहाँ पर आपको लाइट को काफ़ी ध्यान से एडजस्ट करना है। एक बार डन करते हैं, इसके बाद वीडियो पे क्लिक करेंगे और इसे फुल स्क्रीन में कुछ इस तरह से कन्वर्ट कर देने हैं। तो आप देख सकते हैं वीडियो हमारा 4 सेकंड के आसपास जो मैंने शूट किया तो कुछ इस तरह से शूट किया हूँ। इसके बाद वीडियो को आगे तरफ लेकर आना है और जैसे कि आप देख सकते हैं जैसे कि आप साइड यहाँ तक आना है, इसके बाद नेक्स्ट पार्ट का वीडियो आपको जो शूट करना है यहाँ से आपको शूट करना है 7.7 के आसपास। वीडियो क्लियर पर क्लिक करेंगे, कैचिंग निशान पर क्लिक करेंगे और इसमें जो एक्स्ट्रा पार्ट है एक्स्ट्रा पार्ट को ट्रिम टू लेफ्ट या फिर ट्रिम टू राइट भी कर सकते हैं। इस पार्ट में हमारा कुछ एक्स्ट्रा नहीं है तो इस वीडियो को प्रेस करेंगे या कुछ इस तरह से यहाँ पे एडजस्ट कर देंगे। वीडियो क्लियर पे क्लिक करेंगे, फिर से हमें क्रॉप पे क्लिक करना है और कुछ इसे आपसे आपको क्रॉप कर देना है। बस आपको बेस मेन टॉपिक मेन इसमें इंपॉर्टेंट बात है जो आपको वीडियो जब शूट करेंगे तो आपको फुल बॉडी में शूट करना है, बस आपको यही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर इस तरह के आप फुल बॉडी में आप वीडियो शूट कर लेते हैं इस तरह के वीडियो को बिल्कुल इस तरह के वीडियो आप बिल्कुल आसानी से बना सकते हैं। इसके बाद इस तरह के वीडियो जूम करने के बाद सही से साइड में एडजस्ट आपको कर देना है। अब आपका वीडियो देख सकते हैं कुछ इस तरह से देखने को मिल जाएंगे, आपको हिसाब से अपने हिसाब से यहाँ पे एडजस्ट कर लेना है। आपको ये वीडियो को जो लास्ट तक रखना है यानी कि 11:04 तक रखना है, इस बात को ध्यान रखना है। इसके बाद फिर से हम स्पीड टू प्ले कर देते हैं, अब आपका वीडियो कुछ इस तरह से देखने को मिल जाएंगे जो काफ़ी बेहतरीन लग रहा है, ठीक है। इसके बाद वीडियो को आगे की तरफ लेकर आना है हमें, इसके बाद इस पार्ट को हम डिलीट करते हैं, वीडियो को आगे की तरफ लेकर आना है और फिर से आपको आ जाना है यहाँ पे 20.9 यानी कि 20.9 या 20.8 के आसपास आ जाना है। लेयर पे आना है, मीडिया पे आना है, इसके बाद जो आपने सेकेंड वीडियो शूट कर रखे उस वीडियो को सेलेक्ट कर लेना है, लेयर पे क्लिक करना और इसके बाद जो एक्स्ट्रा पार्ट है एक्स्ट्रा पार्ट को सबसे पहले रिमूव कर देना है। इसके बाद वीडियो क्लियर पर क्लिक करते हैं, इसके बाद हम आते हैं यहाँ पर 20.1 या 20.2 के आसपास आते हैं, तो मैं यहाँ पर 21.3 के आसपास आ चुका हूँ। इसके बाद यहाँ पर हम इस पर इस वीडियो प्रेस करके आना है, यहाँ तक आपको लेकर आ जाना है। इसके बाद एक्स्ट्रा पार्ट को ट्रिम टू राइट या लेफ्ट भी करना है, वो तो मैं बाद में करूँगा, पहले इसके बाद एक्स्ट्रा पार्ट को मैं ट्रिम टू लेफ्ट या फिर राइट करने के बाद क्रॉप कर देता हूँ। इसके बाद लास्ट पॉइंट पे आते हैं, इसके बाद एक्स्ट्रा पार्ट को ट्रिम टू राइट कर देते हैं। इसके बाद हमें क्या करना है, वीडियो क्लियर पर क्लिक करेंगे और आपको जो यहाँ पर क्रोमा की दिख रहा है यानी कि ग्रीन स्क्रीन जो दिख रहा है इसे आपको कुछ इस तरह से एडजस्ट कर देना है। इसके बाद डन करना है,
वीडियो को प्रेस करेंगे और कुछ इस तरह से आपको जूम करके सही से एडजस्ट कर देना है। बस इस तरह के वीडियो बनाने के लिए आपको करना क्या है, वीडियो जब भी शूट करेंगे तो आपको ग्रीन स्क्रीन में वीडियो शूट करना है और काफ़ी ध्यान से शूट करना है, किस एंगल में शूट करना है ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इस तरह से वीडियो आप बिल्कुल आसानी से शूट कर सकते हैं और एडिट कर सकते हैं। मैं आपको एक से दो बार वीडियो को प्ले करके भी दिखा दूंगा वीडियो आपको किस प्रकार शूट करना है, या फिर वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मैंने ओरिजिनल वीडियो का लिंक दे चुका हूँ, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं भाई ने किस तरह से वीडियो में डांस किया है और किस तरह से वीडियो को शूट किया है, तो आप सेम उसी तरह से वीडियो को शूट कर सकते हैं। और सोनाक्षी सिन्हा का ग्रीन स्क्रीन वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप सिंपली डाउनलोड कर सकते हैं। भाई ने ग्रीन स्क्रीन वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत किया है, यार वीडियो को लाइक कर देना, साथ ही साथ टेक्निकल चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इसके बाद करना है शेयर पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको 720p 30 सेलेक्ट करने के बाद वीडियो एक्सपोर्ट कर देना है। यदि आप इस तरह के वीडियो बनाते हैं तो आपके वीडियो पे काफ़ी ज़्यादा लाइक्स एंड व्यूज आ सकता है। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कर देना, साथ ही साथ टेक्निकल चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए। तो दोस्तों मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।